continue with the next activity 6.7, that is dissolve about a teaspoonful of copper sulfate in about a half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. एक बीकर में एक वाटर के साथ हाफ कप ऑफ वाटर के साथ कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करना है. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन. अब इसी सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे. सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 एंड कॉपर सल्फेट इज CuSO4. यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन. आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा. सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल. अब इस सैंपल को आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन के सैंपल को, छोटे से थोड़े से सैंपल को टेस्ट ट्यूब में आपको सेव करके रखना है. ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इन टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन. और जितना भी आपका रिमेनिंग सॉल्यूशन बचा है अब, है ना, उसमें अब आपको क्या करना है, शेविंग ब्लेड या फिर कोई भी एक नेल को ड्रॉप करना है. वेट फॉर अ हाफ एन आवर और सो, हाफ एन आवर तक आपको वेट करना है. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन. अब आपको सोल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करना है. देखो आपको फिगर में भी दिया हुआ है, चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन. ये कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ठीक है. और जब आपने इसमें ब्लेड आपने इसमें करा, ड्रॉप किया, अगर इसकी जगह नेल भी आप ड्रॉप करते तब इसका कलर चेंज हो जाता, ग्रीनिश हो जाता. देखिए कैसे. नाउ कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव सेपरेटली. जो भी आपने सेपरेट करके रखा था सॉल्यूशन का सैंपल, उसको आप इससे ऑब्जर्व करके देखिए, दोनों में कंपेयर करके देखिए. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. क्या आपको सॉल्यूशन के कलर में चेंज लग रहा है. टेक आउट द नेल और अ ब्लेड. अब ब्लेड को या फिर जो अपनी नेल इसमें ड्रॉप किया है उसको आप टेक आउट कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए. हैज़ इट चेंज इन एनी वे. क्या ये चेंज हुआ है कुछ. द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. ये चेंजेस जो हुआ है, ये चेंजेस जो भी आप ये इसके कलर में आप चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो किस वजह से हुआ है, कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन और आयरन के बीच जो रिएक्शन हुआ है. देखिए नेल और ब्लेड दोनों आयरन के ही होते हैं, तो उनके बीच में रिएक्शन हुआ है. द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस. अब ये जो कलर में जो चेंज हुआ है सोल्यूशन के, ब्लू कलर से जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन हुआ है, वो हुआ है आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन से, ठीक है. क्योंकि देखिए कॉपर सल्फेट में जब भी हम आयरन ऐड करेंगे, है ना, तब क्या बन जाएगा, क्या हमें वो देगा, आयरन सल्फेट और कॉपर. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन था, ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन था, और जब हमें आयरन सल्फेट मिला वो ग्रीन कलर का सोल्यूशन है. द ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नेल इज कॉपर. और जो आयरन नेल पे जो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है वो क्या है, कॉपर है. देखिए यहाँ पे कॉपर सेपरेट हो रहा है ना, तो ये कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा. वी कैन राइट द रिएक्शन एज, जो कि एक, देखिए कॉपर भी एक अनदर सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और आयरन सल्फेट भी एक अनदर सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. तो जहाँ पे दूसरा कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो कौन से चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस. अब हम इस रिएक्शन को इस टाइप से लिख सकते हैं. देखिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दैट इज ब्लू इन कलर प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट सोल्यूशन दैट इज ग्रीन इन कलर एंड प्लस कॉपर दैट इज ब्राउन डिपॉजिट्स.